दोस्तों अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। अब आगे की कहानी। शेरू को मारकर मिस्टर मी शिवा को लेकर जा रहा होता है। अले बापले अले बापले, मुझे बचाओ, मुझे मिस्टर मी लेकर जा रहा है। तभी शेरू उठता है और दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त हाथी के पास जाता है। और वहां पुकार हाथी से बोलता है, हाथी भाई, शिवा को मिस्टर मीट उठा के ले जा रहा है, उसे बचाओ। शेरू का बात सुनते ही हाथी दौड़ते दौड़ते शिवा को बचाने के लिए जाता है। शिवा को रोते देख हाथी मिस्टर मीट के आगे ही जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, हे मिस्टर मीट, अपने जान का खैरियत चाहता है तो शिवा को छोड़ दे। हाथी के बात सुनते ही मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हाथी तू मुझे मारेगा, मैं तुझे अपने तलवार से एक ही बार में मार डालूंगा। और इतना बोल के मिस्टर मीर हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और मिस्टर मीर हाथी के पास जाता है और हाथी मिस्टर मीर में फाइट होने लगता है। और हाथी मिस्टर मीर को अपने सूंड में लपेट के उठा के फेंक देता है। मिस्टर मीर को जब हाथी फेंकता